हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चंगे होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे आज फिर अचानक क्यों आना पड़ा हॉस्पिटल, इसके बारे में हम आपको पूरी बातें बताएंगे कि हमें क्यों आना पड़ा। और यहाँ पे देख लीजिए, बेबी भी बेचारा परेशान हो गया था और अभी इनको दूध दूध पिला के सुलाया गया है। और यहाँ पे बीच बीच में इनका जो है ब्लड प्रेशर जो है चेक किया जा रहा है। और ये हो रहा है कि ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए, जो बेबी हुआ है, दीदी लेके बैठी हैं और डॉक्टर बराबर से इनका जो है चेकअप कर रहा है। और इनको ये लग रहा है कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है बंद कर दें और मैं कहाँ पे आ गई हूँ। अजीबो तरीक़े से मतलब बात करना, सबसे मिलने की चाह, और फिर उसके बाद जब सब लोग आ गए तो फिर मतलब यहाँ से सब लोग बाहर जाओ, भीड़ क्यों लगा के रखे हो। बगल में कुछ शोर हो रहा था तो दीदी यहाँ पे मतलब लेके इनको बैठी हैं और थोड़ा सा भी दूध पिलाई हूँ ऊपर का, क्योंकि इनकी कंडीशन नहीं थी कि दूध पिलाया जाए। और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा कहते हैं ना पीठ को थपथपा दिया जाए, फिर यहाँ पे दोनों नर्स आई हैं। और आखिर में ये जो है जो इनका मतलब ब्लड प्रेशर की जांच करता था और क्या हाथ में लगा के रखे थे वो निकलवा ही दी। कहीं नहीं, मैं यहाँ पे किट किट कर रहा है मेरे सर पे, तो डॉक्टर निकाल दिए, कहें कि ठीक है अभी तो नॉर्मल चल रहा है मतलब ब्लड प्रेशर, तो इसकी वजह से वो निकाल भी दिए। और इनकी जीत की वजह से थोड़ा सा ना मतलब जैसे बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे देखिए तरह तरह के इंजेक्शन, ग्लूकोज के लिए बच्चन। एक तो ना सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में आइए ना तो ग्लूकोज ये जो है भाई ये तो इनके हिसाब से चढ़ता ही है, बट इससे तो मुझे भी भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और उसके बाद ना ये आई हैं संडे को और मंडे का इनका ऑपरेशन हुआ है। तब से कंटिन्यू बारिश, ऐसा मौसम चल रहा है, धूप नहीं हो रही है। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग भी परेशान थे। हम लोग भी आए हैं फीवर से, वो थे, ये भी सोच रही थी कि कैसे ये लोग कर पाएंगे क्योंकि सब लोग फीवर में परेशान हैं। और यहाँ पे अभी तो हम लोग कपड़े की मतलब तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। कपड़े इतने ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं कि कपड़ा फोल्ड मतलब जैसे कि ना थोड़ा थोड़ा करके, ये भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है, जहाँ भी इंसान रहता ना कहता ना। अभी इनकी मम्मा की भी तबीयत ठीक है और ये तो ठीक ही हैं बाबू, बस भगवान की कृपा है कि और आप सबका आशीर्वाद है कि बिल्कुल ठीक हैं और आगे भी ठीक रहें। तो यहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी है और दीदी बर्तन तन धुल ली थी और मैं सारे मतलब जो कपड़े थे सारे कपड़े को अलग कर ली और बच्चे का अलग, बेबी का अलग, इस तरह से मतलब बेबी और बच्चा एक ही होता है, मतलब हम लोग अपना अलग कर लिए। और अभी इनके हस्बैंड हैं मेरे, मतलब मेरे बहन के हस्बैंड हैं और हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, तो घर से ज़्यादा दूरी तो है नहीं, 20-25 मिनट की दूरी पे है। तो थोड़ा सा ले रहे हैं दवा और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। और ये देखिए मेरी बड़ी बहन है, फिर हम मतलब तीनों बहनें हैं। और पहले हम लोग सोचते थे कि यार हम लोग चार बहनें हैं और ठीक नहीं है, जो अकेले रहता वो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो मैं आ गई हूँ घर पे, देख लीजिए मैं चाय बना रही हूँ और पानी कढ़ चुका है, तो चलिए पहले फटाक से इसमें हम चाय पत्ती वगैरह सब, तो मतलब पानी जो है खोल रहा है, तो चलिए पहले सबसे पहले हम चीनी इसमें डालेंगे और चाय बना के थोड़ा सा सोच रही हूँ पी लूँ ना, तो थोड़ी सी ताकत आ जाए शरीर में, फिर उसके बाद में थोड़ा सा एनर्जी जब आ जाती है ना तो फिर काम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो मैं चल रही हूँ सोच रही हूँ चाय पी लेती हूँ और सबसे पहले वाला काम कर लेती हूँ, मैं नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनेगा। और यहाँ पर अभी सुबह में बनाए थे पनीर, तो अभी पनीर यहाँ पर इतना बचा हुआ है और चावल तो पूरा का पूरा बचा है, तो पनीर इतना बचा है
मैं सोच रही हूँ कि पहले नहा लूँ फिर उसके बाद। तो अभी मैं यहाँ पर फ्रिज से दूध डायरेक्ट निकाली हूँ और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज से दूध निकालूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रख दूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन बट ऐसा हो इत्तफाक हो जाता है कि जो चाय बना रही हूँ तो याद आया कि हाँ मुझे दूध फ्रिज से बाहर निकालना है और बहुत स्लो मैंने गैस कर दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया है। और उस समय अगर ऐसा होता ना तो मैं फिर चाय ना बनाती, क्योंकि यार बोरिंग सा हो जाता है। ये लो, ये देखिए मैं बाहर आई, तो ये पनीर की सब्जी चावल मैंने फ्राई कर दिया है और आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए इस साथ वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।